पीछे पैसे हैं भाई, ईमानदार है भाई, लिटरली ओ भाई 1000 रुपये उड़ रहे थे। रेस ब्रेक पैड्स लगा देंगे तो ब्रेकिंग इम्प्रूव हो जाएगी। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज हम आ चुके हैं अप्रीलिया के शोरूम, क्योंकि राहुल भैया एज यूजुअली एक और नई बाइक ले रहे हैं, अप्रीलिया 457, तो उनको लेनी थी टेस्ट राइड। मैं तो ले चुका हूँ पहले ही, ऑलरेडी मैं ले चुका हूँ, सो मैंने कहा आप ही लो अगर बाइक आप ले रहे हो तो। सो भाई इस पे अब सेटअप कर देंगे और भैया का राइड रिव्यू चेक कर देखते हैं वो किस तरीके से बना रही है। उनको बोलता हूँ एक अच्छा सा राइड रिव्यू देना, बहुत एक्सपीरियंस राइडर है, 20 साल का एक्सपीरियंस है। छोटा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ, उनके पास एक S1000 आ रहा है, एक F900 है, एक छोटी बाइक ले रहे हैं, एक सेकेंडरी बाइक ले रहे हैं, किसके लिए? ट्रैक के लिए। सो अभी इसको लगा देते हैं और फिर उनसे बात करते हैं, उनका रिव्यू चेक कर, एक प्योर राइडर का रिव्यू जो ट्रैक पर चलाते हैं काफ़ी सालों से ना, तो एक डिफरेंट ओपिनियन मिलेगी आप लोगों को। यार फील तो इसमें बिग बाइक वाली है, मतलब ये लगता नहीं है, ये लगता है 650 cc की चला रहे हो आप बाइक, ऐसा लगता नहीं है बिल्कुल भी कि आपने कोई 400 cc बाइक चला रहे हो, क्योंकि जितना इसका फेयरिंग है और जो यहाँ टैंक की फील है, टैंक की चौड़ाई है, वो सब एकदम ऐसा लगता है जैसे ZX6R है ना, उसके वॉल्यूम के बराबर ही लगता है इसका वॉल्यूम। और बढ़िया है यार, ग्रंट बढ़िया है इंजन में ना, है एक फायरिंग ऑर्डर इसका डिस्टिंक्टिव है, पता चलता है नॉर्मल पैरेलल ट्विन से, और 270 डिग्री जो इनका फायरिंग ऑर्डर है ना, उसका फ़र्क है नॉर्मल पैरेलल ट्विन में, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया यार बाइक तो, बढ़िया है नो डाउट, पावर है बाइक में, सही है यार, ऊपर तक खींचती है पूरे RPM तो अच्छा जाता है। सोच रहा हूँ बैकअप बाइक की तरह रखने के लिए, और ये बैकअप बाइक के लिए बिल्कुल परफेक्ट बाइक है, क्योंकि इसमें क्विक शिफ्टर आ जाएगा, उसके बाद रेसिंग विंडस्क्रीन आ जाएगी, रेसिंग आपके वो आ जाएंगे, सब कंपनी से ही आ जाएगा सामान, लोड करने की जरूरत ही नहीं है बाहर से कुछ, और सीधा ट्रैक रेडी है, आप ले जाओ इसे और अपना प्रैक्टिस करो जितना मर्जी। कुछ नहीं चाहिए भाई, सही है, बहुत एजिलिटी में है, सब चीज़ों में सही है, मतलब एकदम टैंक भी बिल्कुल हग कर रहा है इसमें, आप अपने स्टॉर्म ग्रिप्स लगाओ, एक बार ग्रिप बन जाए टैंक की, ये भी एकदम फ्लैट एरिया है झुकने के लिए, पीछे सीट का भी पीछे पुश मिल रहा है, पीछे होके आप जब ब्रेकिंग जोन में जाओगे पीछे होके करोगे तो काउल की वजह से पीछे भी वो जो सपोर्ट चाहिए होता है हमें सुपर बाइक्स में, ट्रैक बाइक्स में, वो मिल रहा है पूरा, सही है बाइक तो नो डाउट।
गियर शिफ्ट भी स्मूथ है बहुत। थोड़ी सी ये चला चला के फिल गई है बाइक, तो ब्रेकिंग मेरे को कमज़ोर लगी कंपैरेटिवली, लेकिन आई एम श्योर जब हम वो रेस ब्रेक पैड्स लगा देंगे तो ब्रेकिंग इम्प्रूव हो जाएगी। टैंक और बॉडी की फील एकदम सही है लर्निंग के लिए, बहुत सही है। मतलब एज अ रिप्लेसमेंट लर्नर्स बाइक इट इज़ क्वाइट नाइस। RC 390 से डेफिनेटली इट्स अ बेटर स्टॉक ऑप्शन फॉर ट्रैक। The next day. So guys, this is next day. और भाई कल बुक करा ली थी बाइक, सारा जो पेपर वर्क वगैरह होते हैं सारे करवा लिए थे। अब हम लेने जा रहे हैं भाई अप्रीलिया, और भैया के साथ जा रहा हूँ मैं एज यूजुअल हमेशा के। बैठेंगे यहाँ से दिल्ली चलेंगे, डिलीवरी लेते हैं बाइक की। वो जो आप उतारते हैं जो ब्रेकिंग कमजोर है, तो उसके लिए हमने अब अपनी नई बाइक जो हम डिलीवरी लेने जा रहे हैं इसमें हमने क्या चेंज करवाया रेसिंग? इसमें अभी हमने इनके हिसाब से ये कहते हैं रेसिंग ब्रेक पैड्स हैं। ओके ठीक है, एंड आई एम डाउटफुल कि वो मेरे ख्याल से सेम वही ब्रेक पैड्स होंगे जो KTM 390 में RC 390 में स्टॉक आते हैं। ओके और सिंटर्ड पैड्स होते हैं वो बेसिकली। ओके और इसमें जो डिफॉल्ट आ रहे हैं स्टॉक में जो आ रहे हैं वो ऑर्गेनिक पैड्स आ रहे हैं। ओके और ये सेंटर्ड है, तो जो ये होते हैं ये थोड़े से ज्यादा बेटर होते हैं, इनकी ग्रिप ज्यादा बेटर होती है, लाइफ भी ज्यादा, ब्रेकिंग अच्छी होती है। बहुत सही। थोड़ा बहुत राइड रिव्यू दोबारा। अब अरे चढ़ जा भाई, अरे चढ़ जा। ओ ओके सो इसे फ्यूल अप कराना है अभी ना, बट अभी यहाँ से निकलते हैं। भैया पीछे गाड़ी पे है, अरे उनको पता भी है मैं निकल गया हूँ। अरे पीछे पैसे हैं, ईमानदार है भाई लिटरली। ओ भाई 1000 रुपये उड़ रहे थे। थैंक यू, अप्रिशिएट इट। भाई सिटिंग जो है ना इसकी सच में सुपर बाइक्स वाली है, जो फुटटेक्स है ना बहुत ऊपर है। सो आप लिटरली जैसे सुपर बाइक के बैठते हो सेम वैसा ही फीलिंग है। और सबसे अच्छी बात बता रहा हूँ इस बाइक की गाइस, जो सीट हाइट है ना यार, ओहो इवन इफ यू आर लाइक 5'2" 5'3" आराम से चला सकते हो भाई इसकी। ये देखो मतलब निंजा 500 जो कि ऑलरेडी आती है इसी प्राइस रेंज में, इससे थोड़ी एक्सपेंसिव है फॉर श्योर, उसमें भी इतना मज़ा नहीं है यार जितना इसको चला के आ रहा है, सच बता रहा हूँ यार। कितनी ज़्यादा लाइट वेट है ये बाइक, अभी तो वेट डिडक्शन इसमें करी नहीं है, सोचो अभी कितनी ज़्यादा वेट डिडक्शन होने वाली है इस बाइक में। सो गाइस 1000 में ही फुल होगी ये तो लग रहा है। गाइस यार आज के लिए वीडियो में इतना ही भाई, आई एम ऑलमोस्ट होम और इसको पार्क कर देंगे। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए भाई ध्यान रखें।